पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सकते ये कैसे माना जाए कि इस बार के आपके आंदोलन के जरिए, सवाल तो सुनिए सर, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं आज आप? तो गेम बचाना पड़ेगा। सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। कैसे आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप ये मानते हैं कि इनके जो कानून है वो गलत हैं, तो आप इनको चुनावी रूप से सबक सिखा पाएंगे? कैसे आप प्रमाणिक रूप से ये कर पाइएगा? कैसे उनको आश्वस्त कीजिएगा? क्योंकि वो तो खौफ खा नहीं रहे सर। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोकतांत्रिक देश में ये कोई देश की आजादी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है। चुनी हुई सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी हमसे, कंडीशन लगा के बातचीत करेगी? पूरे देश में हम कहीं जाएंगे तो बैन लगाएगी? जुम करो, जुम करो, जुम करो। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी बता दीजिए जो इन कंपनियों से पैसे ना लेती हो, डोनेशन ना लेती हो। ठीक, एक मिनट। कौन किसकी सरकार बनेगी? मेरी बात तो सुन लो, जरा बात सुन लो। देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश का व्यापारी बड़ा है? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कंपनी बड़ी है देश में या पार्लियामेंट बड़ा है, बता दो। आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप से पूछ। देश की संसद सबसे बड़ी है। पक्का? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम भी मान रहे कि संसद बड़ी है। कच्चा आप बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोलती। नहीं नहीं, हाँ, मेरी बात पक्की है। हम भी पार्लियामेंट को बड़ा मानने। गोदाम देश में पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारी को पता था, उद्योगपतियों को, कि हम गोदाम बना लेंगे, बड़े बड़े सस्ती जमीन खरीद के, और हम पार्लियामेंट पे कहीं उनका कब्जा तो नहीं हो गया पार्लियामेंट में? ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया हो? ऐसा लगता है कि आपको भी? दिल्ली में जो आप किसान संसद कर रहे हैं, हाँ, आपको लग रहा है उससे सरकार पर दबाव बन रहा है? नहीं, हमें दबाव को तो नहीं पता, लेकिन आप किस तरह के कुछ चैनल हैं जो हमारी बात उठा दे। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का एक वो भी एक माध्यम है। 15 मिनट लिया आपने, अब शांत हुए, अब समझ में आया कि आज तक किस तरह से निष्पक्ष होकर मुद्दों को उठाता है। कि आज तक किस तरह से निष्पक्ष होकर मुद्दों को उठाता है। आर यू कॉमेडी मी? लवणेन भोज्यम। थोड़ा गन्ने का जूस मंगाते हैं, थोड़ा और धीरे धीरे ठंडा हो जाओगे, अच्छे से बात करो। आप चीटिंग करते हो क्या? बस ये बात है। चीटिंग तो आप कर रहे हो, सारा भड़ास यही निकालोगे तो कैसे होगा? एक बात बताओ, मुद्दे उठाओ ना सर, मुद्दे तो उठाओ। बोलो ना कि एमएसपी चाहिए, एमएसपी से कम पर नहीं मानेंगे। आप तो कहते हो नहीं, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले। और कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है कुछ, वो बस ऐसे बोलते हैं न्योता, या कुछ कम्युनिकेट भी किया है किसी किसान से? वो सिर्फ अभी मदद है भाई, अभी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। अगर वे कृषि मंत्री को भी पूरी पावरफुल फ्लैश पावर दे के भेजें तो भी समझौता हो जाए। किसके पास है पावर? हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में। प्यारी समझ गई। कोई पावर किसी मंत्री के पास में नहीं है। किसके पास है पावर, यही तो पूछ रही हूँ। मोदी सरकार के। कंपनी या मोदी सरकार? कंपनी। फिर दोनों तरफ बैठे, दोनों बता रहे ना। हाँ। मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। खत्म।